एंड वेलकम इन योर डेली करंट अफेयर एनालिसिस तो चलिए देखते हैं आज कुछ वैसे इंपॉर्टेंट खास है नहीं है जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगी एक्सप्लेन कर दूंगी तो पहले न्यूज देख लेते हैं कि प्रोफेसर शुभाना नरसिम्हन फॉर फ्रॉम द थोराटिकल साइंसिस यूनिट एट द जवाहरलाल नेहरू सेंटर अच्छा देखिए जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है इसके एक ब्रांच है थ्योराटिकल साइंसिस यूनिट ठीक है इन्हीं के एक प्रोफेसर शुभाना नरसिम्हन को क्या अपॉइंट कर लिया गया है एक uh, एक मेम्बर इलेक्ट कर दिया गया है किसका अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का ठीक है देखिए कुछ न्यूज़ हैं जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा उसमें कुछ अंडरस्टेंडिंग वाला होगा नहीं तो uh, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा अपना रेटिफिकेशन बढ़ा दीजिए अगेन ये भी वैसे ही न्यूज है प्रोफेसर सर राल्व स्पिथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टाटा मोटर्स एंड जागोवार लैंड रोवर के थे उनको आ, उनको और प्रोफेसर विक्रम देश जी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इलेक्ट कर दिया है आ, किसका मेम्बर रॉयल सोसाइटी का मेम्बर ठीक है जो आपकी यूके में है येस बैंक हैज़ अपॉइंटेड नीरज धवन एज इट्स चीफ रिस्क ऑफिसर इन्होंने भी नीरज धवन को अपॉइंट कर लिया गया है मैं आपको कह रही हूँ कि ये सारी न्यूज फे द, है कुछ समझने वाला नहीं है आपको रट्टा मारना होगा ठीक है ओके डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी हैज़ बिन स्लैप्ड विद द फोर ईयर बैन बाय वादास एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट फॉर फ्लैंकिंग अ डोप टेस्ट ठीक है आपको पता होगा कि थ्रोज़ होते हैं जैसे अगर आपने कभी एथलीट रहे होंगे या आपने कभी कोई स्पोर्ट्स खेली होगी तो आपको पता होगा कि पुट जेविलियन डिस्कस ठीक है हैमर बहुत सारे थ्रोज रहते हैं तो वैसे ही ये डिस्कस थ्रू जो करती थी आपकी संदीप कुमारी उनको बैन कर दिया गया है ठीक है अब ये इनके बैन के टेस्ट किसने मतलब किए थे एन डी टी एल एन डी टी एल क्या है आपकी नेशनल डोप टेस्टिंग लेबॉरटरी ठीक है ये किसके अंदर आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड सपोर्ट स्पोर्ट्स ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है एन डी टी एल क्या है कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है ठीक है और किसको बैन किया है संदीप कुमारी को Two students of Government College of Engineer Kanoor won the first prize of US. यू एस डी डॉलर टेन थाउजेंड इन ग्लोबल कॉम्पिटिशन ओके एक ग्लोबल कॉम्पिटन हुआ था वहाँ पर इन्होंने वर्चुअल क्लास रूम डेवलप किया था जो इस करोना वायरस के लॉकडाउन में हमारी हेल्प कर सके ठीक है तो वो आप देख सकते हैं कि लोग कितना कुछ कर रहे हैं ठीक है तो आपने ये पूछ सकते हैं कि कौन से कॉलेज के थे तो आई डोंट थिंक सो पूछेंगे आपको बट स्टिल ध्यान में हो तो कोई बड़ी बात नहीं है महाराष्ट्र हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवर टू ऑल इट्स सिटीज़न अंडर द महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना ठीक है ये ठीक है इसमें ज्योतिबा फूले आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आपको पता होगा तो ये भी आपके सोशल एक्टिविस्ट थे ज्योतिबा फूले आ, इनकी एक बुक थी कौन सी बुक थी गुलामगिरी ठीक है दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पूछ सकते हैं इनकी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है गुलामगिरी ठीक है अब इन्होंने इस बुक में क्या किया था मतलब इन्होंने जो Uh, नीचे दबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने की बात की थी ठीक है लाइक अनटच्ड ओके इन्होंने वुमेन को राइट दिलाने की कोशिश की थी इस बुक में भी इन्होंने यही मेंशन किया कि पहला स्कूल बना ब्राह्मण के लिए दूसरा बना दूसरी जाति के लिए हमारी बारी कब आएगी तो इन्होंने क्या किया लाइक uh, like, uh, अपने uh, लोगों को प्रमोट करने के लिए लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये बुक लिखी और प्लस इन्होंने एज यूजल देश में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं लाई और काम किया उनके लिए ठीक है द वानी जॉनसन एंड डॉव कैमरॉन हैव वॉन द फेवरेट मूवी एक्टर ओके इनको फेवरेट मूवी और एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया है रिस्पेक्टिवली ठीक है कहाँ पे एडकेट्स चॉइस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी में ठीक है ये भी रट्टा मारने वाला ही है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एंड लोकपाल मेंबर अजय अजय कुमार त्रिपाठी पास सैड आपको क्या ध्यान में रखना है आपको खुद पढ़ना है आज ये आपको कोर्ट के बारे में पढ़ना है कौन से आर्टिकल में आता है जजेस कौन अपॉइंट करता है ठीक है ओथ किसके सामने हाँ इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है हाई कोर्ट की ओथ और हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट हाई हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट कौन करेगा नहीं बता देती हूँ अब प्रेसिडेंट ठीक है लेकिन हाई कोर्ट की ओथ किसके सामने ली जाएगी गवर्नर की ठीक है तो एक बार इसको जाके देख लेना अच्छे से आर्टिकल कौन सा आता है टेन कितना रहता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरह सेम ही है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इसमें बहुत चेंज हैं ठीक है आप एक बार चेक कर लो अच्छे से जाके इसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कैंसल द बैंक लाइसेंस ऑफ मुंबई बेस्ड सी के पी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तो आई थिंक इससे रिलेटेड न्यूज़ थोड़े दिन पहले भी आई थी तो भी मैंने आपको बताया था कि आर बी आई के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी का भी बैंक uh, किसी का भी लाइसेंस जो है वो रद्द कर सकता है अब लाइसेंस क्यों ही रद्द करेगा मतलब एक्चुअली जब उसे लगता है कि ये इतना केपेबल नहीं है ये बैंक ना ही लोन प्रोवाइड कर सकता है ना ही इसके पास पैसा सुरक्षित रह सकता है तो वो कैंसल, आ, लाइसेंस जो होता है वो कैंसिल कर देता है वो कहता है कि पहले अभी आपको जरूरत है और अपने आप को डेवलप करने की ओके एमिंग टू कनेक्ट फार्मर्स To the supply chain and freight transportation management system during the COVID 19 lockdown, CSIR Central Road Research Institute has launched kisan sabha app ठीक है तो ये आपके uh, CSIR ने actually आपका ये जो CSIR है ना ये CRRI के under ही आता है ठीक है uh, <coughs> सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया आपका सी आर आर आई जो है वो आपका सी एस आर आई के अंदर आता है ठीक है तो इन्होंने किसान सभा ऐप जो है वो लॉन्च किया है अब आपका जो सी आर आर आई है ये आपका नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी में बना था ठीक है न्यू डेली में है और ये क्यों डिज़ाइन किया गया था कि आ, ये चीज़ों को देखे ट्रांसपोर्टेशन को देखे ठीक है रोड की मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है कैसे चीज़ें बनेंगी कैसे से ये जो आपके पुल ब्रिजेस वगैरह बनते हैं ना फोर वे ब्रिज वगैरह ये सब इन्हीं के अंडर आता है ठीक है यही चीज़ ये लोग जो हैं यही चीज़ें देखते हैं तो ये भी आज की मैंने बोला कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं ये कल के आपके सवालों के जवाब हैं आज के सवाल देख लेते हैं हु हैज़ बीन चोजन फॉर द निकी एशिया प्राइस ट्वेंटी ट्वेंटी आई थिंक मैंने आपको ये कल डिस्कस किया था ठीक है निकी एशिया प्राइस क्या है आपका निकी इंक क्या है जापान की कंट्री आपको अगर याद होगा तो आप कल की वीडियो देख सकते हैं तो इनमें से किसको मिला है यूएस टेक कंपनी स्काई ट्रां टू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट अगेन इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा आंसर दे दीजिएगा पी डी एफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी प्लस हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर मिल जाएगी सो दैट्स ऑल फॉर द डे थैंक यू सो मच फॉर बींग अस Happy learning!